स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर 4 का डिटरमिनेंट का एक्सरसाइज 4.2। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे डिटरमिनेंट। सॉल्यूशन ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी का, ठीक है। तो आप लोगों से मेरा बस एक निवेदन है कि मैं जो भी क्वेश्चन दूँ उसे पहले आप लोग अपने से कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही इसका सारे जो भी गुणधर्म थे, सारणी के जो भी गुणधर्म थे, प्रॉपर्टीज थे डिटर्मिनेंट के, उन सभी को मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो उन सभी गुणधर्म को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा। डिटर्मिनेंट के हम लोगों ने 7 गुणधर्म के बारे में बात किया था, तो आज हम लोग उसी गुणधर्म पे बेस्ड एक्सरसाइज 4.2 को करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। गिवेन डैट एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एंड जेड प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो है थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, ठीक है। ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसको हम लोग को प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से सॉल्व करना है। जितने भी हम लोगों ने 7 प्रॉपर्टीज पढ़े थे उन्हीं प्रॉपर्टीज पर बेस्ड इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इससे पढ़े थे कि प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 5 में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट अगर सम के टर्म में दिया हुआ है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड ए बी सी ए बी सी। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एज पर प्रॉपर्टी 5 ऑफ डिटर्मिनेंट। हम लोगों ने 5वें प्रॉपर्टी में देखा था डिटर्मिनेंट के कि कोई भी अगर ऐसा फॉर्म हो तो हम लोग उसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने प्रॉपर्टी थ्री ऑफ डिटर्मिनेंट कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम अगर एक जैसे हों तो उसका वैल्यू 0 होता है। ये देखिए कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो इसमें जो है कॉलम 1 और कॉलम 3 के जो एलिमेंट है वो सेम है। कॉलम 1 और कॉलम 3 के एलिमेंट जो भी हैं वो सेम है, ठीक है। और इसमें जो है कॉलम 2 और कॉलम 3 के एलिमेंट सेम है, तो इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा डिटर्मिनेंट का, और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 0 + 0 = 0 = RHS। हम लोग पास LHS क्या दिया हुआ था, LHS ये था, तो ये प्रूफ हो गया कि LHS इज इक्वल टू RHS। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग आगे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए बी माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी बी माइनस सी। ये जितने भी क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 4.2 के वो सभी के सभी उस 7 प्रॉपर्टीज ऑफ बेस्ड है जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, ठीक है। तो उन सभी 7 प्रॉपर्टीज़ को आप लोग देख लेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है हम लोग को इसको सॉल्व करना है, तो इसको जैसे बाय प्रॉपर्टी 7 में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी रो को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं या कॉलम को। तो जैसे हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 में लिखने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। ये जो है C1 प्लस C2 प्लस C3 ये हो गया, ये ठीक है। और एज इट इज C1 C2 ये एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। फर्स्ट कॉलम को हम लोगों ने क्या किया, प्रॉपर्टी 7 में हम लोगों ने देखा था कि कॉलम को हम लोग C1 प्लस K टाइम्स ऑफ कोई भी एन अदर कॉलम को ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने लिखा C1
को जगह पे हम लोगों ने क्या लिखा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ऐसे करने से डिटर्मिनेंट के वैल्यू में किसी तरह का चेंज नहीं आता, ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी 7 में ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, अब ये जो है ये क्या हो गया, बी बी सी सी ए कट गया, ये भी सब सभी के सभी कट जाएंगे, ये भी देखिए सी माइनस सी, बी माइनस बी, ए माइनस ए, सभी के सभी कट गए, तो हमारे पास क्या बच गया, ये बच गया 0 0 0, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। हम लोगों ने सिक्स्थ प्रॉपर्टीज़ को देखा था, सिक्स्थ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है, सिक्स्थ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था। उसमें क्या कहा गया था, उस प्रॉपर्टी में कहा गया है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के कोई भी रो के सारे एलिमेंट या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हों तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होता है। इसमें जो है कॉलम वन के सारे एलिमेंट जीरो हैं, इसलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होगा जीरो होगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, जीरो इज इक्वल टू RHS, इसमें LHS ये था, तो हम लोग फिर लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, गिवन डैट 2 3 5 7 8 9 65 75 86। अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है, तो इसके बारे में हम लोग सोचे तो क्या कर सकते हैं, बाय प्रॉपर्टी 7, सेवेंथ प्रॉपर्टी को हम लोगों ने देखा था कि किसी भी कॉलम को हम लोग एन अदर कॉलम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसमें कैसे देखें, जैसे देखिए ये जो है 65 है, ये 2 3 5 7 8 9 कोई भी कॉलम का या रो का एलिमेंट सेम नहीं है, जिससे हम लोग डायरेक्ट इसको किसी प्रॉपर्टी से जीरो कर सके। इसमें क्या लिखा, देखिए 7, और हम लोग इसको देखें तो 7 × 9 63 + 2 65, 8 × 9 72 + 3 75, 9 × 9 = 81 + 5 = 86। तो ये जो है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि कॉलम 3 को लिख सकते हैं, कॉलम 3 माइनस 9 × C2 - C1। ओके, अगर हम लोग ऐसा लिखेंगे तो इसको हम लोग जीरो बना सकते हैं, कैसे, 65 - 9 × 7 = 63 एंड -2 = -65, 65 - 65 = 0 एंड 75 - 75 = 0, 86 - 86 = 0। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, तब इस प्रॉपर्टी से हम लोग ने क्या देखेंगे इसमें आगे कि देखिए इस प्रॉपर्टी को हम लोग लगाते हैं तो हम लोग क्या क्या हम लोग के पास बनता है, 2 3 5 7 8 9, ये हो जाएगा 0 0 0। ओके, फिर हम लोग देखे थे बाय प्रॉपर्टी 6, सिक्स प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो होने पर उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 = RHS, सो हो गया LHS = RHS, ये जो था LHS था। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, गिवेन डेट 1 1 1 BC CA AB, A × B + C, B × C + A, C × A + B इज इक्वल टू जीरो। तो हम लोग LHS को क्या लिख सकते हैं, LHS इज इक्वल टू 1 1 1 BC CA AB, AB + AC, BC + BA, CA + CB। ओके, अब हम लोग बाय प्रॉपर्टी 7, प्रॉपर्टी 7 से प्रॉपर्टी 7 ऑफ डिटर्मिनेंट हम लोग लिख सकते हैं C3 को C3 + C2। ऐसा करने से क्या होगा कि इसमें सभी में आ जाएंगे AB + BC + AC, AB + BC + AC, AB + BC + AC, तीनों टर्म एक हो जाएंगे जिससे हम लोग उसमें से कॉमन ले पाएंगे। ठीक है, ये हो गया AB + AC + BC, ये BC + BA + CA, ये CA + CB + AB। ओके स्टूडेंट, तो इसमें से हम लोगों ने क्या किया, टेक कॉमन AB + BC + CA फ्रॉम कॉलम 3। ओके, थर्ड कॉलम में से हम लोगों ने क्या किया, ये थर्ड कॉलम है, इसमें से हम लोगों ने AB + BC + CA को कॉमन ले लिया, तो 1 1 1 BC CA AB
हेयर हम लोग क्या लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, वन 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 बाई प्रॉपर्टीज थ्री। थर्ड प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट सेम हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू आर एच एस। सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ओके, क्वेश्चन नंबर फाइव। ओके, क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या दिया हुआ है, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी, क्यू प्लस आर, आर प्लस बी, पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एल एच एस में क्या करेंगे, एल एच एस क्या है, एल एच एस है बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी सेवन हम लोग लगाएंगे, प्रॉपर्टी सेवन ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है, उससे हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग करेंगे आर वन की जगह पर लिखेंगे आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एल एच एस बन जाएगा हमारा बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर प्लस आर प्लस पी प्लस पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई और सेकेंड रो एज इट इज। ये जो है हमारा फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है और ये थर्ड रो है, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। ओके स्टूडेंट, इसके बाद ये क्या हो गया, ये हो गया टू टाइम्स ऑफ ए प्लस टू टाइम्स ऑफ बी प्लस टू टाइम्स ऑफ सी, टू टाइम्स ऑफ पी, टू टाइम्स ऑफ क्यू, टू टाइम्स ऑफ आर, टू टाइम्स ऑफ एक्स, टू टाइम्स ऑफ वाई, टू टाइम्स ऑफ जेड, सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, टू हम लोगों ने इसमें से कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर, ये हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, सी प्लस ए, ए प्लस बी, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। ओके, टेक कॉमन टू फ्रॉम रो वन, इस रो में से हम लोगों ने दो को कॉमन ले लिया। तो डिटरमिनेंट में क्या होता है कि किसी एक रो या एक किसी एक कॉलम से कॉमन लिया था, दो हमने रो वन से लिया, तो ये हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, पी प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। ओके, अब हम लोग में अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, सेकेंड ऑपरेशन लगाएंगे आर वन के जगह पर आर वन माइनस आर। ठीक है, इससे क्या होगा बच्चों, ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट बचा है इसमें हम लोगों ने आर वन के जगह पर आर वन माइनस आर टू लिख लिया, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए, पी प्लस क्यू प्लस आर माइनस आर प्लस पी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस जेड प्लस एक्स एंड सेकेंड रो इज एज इट इज। पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई, ये क्या हो गया हमारे पास, सी माइनस सी कट गया, ए माइनस ए कट गया, यहाँ पर बच गया बी, सी प्लस ए, ए प्लस बी, ये हो गया आर, आर पी पी कट गया, ये बच गया क्यू, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, ये हो गया जेड, जेड एक्स, एक्स कट गया, ये हो गया वाई, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग इसमें जो है थर्ड
थर्ड ऑपरेशन लगाएंगे बाय प्रॉपर्टी 7, आर थ्री के जगह पर आर थ्री माइनस आर वन। ओके, मेरे पास क्या बच जाएगा, ये तो आर वन एज इट इज बी क्यू वाई सी प्लस ए आर प्लस बी जेड प्लस एक्स, आर थ्री के जगह पर आर थ्री माइनस आर वन पी प्लस क्यू माइनस क्यू एक्स प्लस वाई माइनस वाई, क्या होगा बी बी कर जाएगा क्यू क्यू कर जाएगा एक्स एक्स कर जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा बी क्यू वाई सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए पी एक्स। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें फिर से एक ऑपरेशन लगाएंगे आर टू के जगह पर आर टू माइनस आर थ्री। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे जो था स्टूडेंट हम लोग टू कॉमन लिए हुए थे, यहाँ पे टू जो है कंटिन्यू चलते रहेगा, टू टाइम्स एंड टू टाइम्स बिकॉज देयर इज टू। सो आर वन की जगह पर आर वन मैंने साथ में लेंगे तो यहाँ पे भी ये जो है टू कॉमन में रहेगा टू, और ये जो है टू कंटिन्यू रहेगा, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा टू टाइम्स ऑफ बी क्यू वाई सी प्लस ए माइनस ए आर प्लस पी माइनस पी जेड प्लस एक्स माइनस एक्स ए पी एक्स। हमारे पास क्या आ गया अब बी क्यू वाई ए ए कट गया पी पी कट गया एक्स एक्स कट गया तो हो गया सी आर जेड ए पी एक्स, लेकिन हम लोगों को क्या लाना था आर एच एस में होना चाहिए था टू टाइम्स ऑफ ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, ए पी एक्स होना चाहिए था फर्स्ट पे या भी है यहाँ पे और सी आर जेड होना चाहिए यहाँ पे और बी आर जेड यहाँ पे। तो हम लोगों ने देखा था बाय प्रॉपर्टीज टू, दूसरी प्रॉपर्टी जब जो सारणिक की थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि किसी भी दो रो या किसी भी दो एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाता है तो उसके वैल्यू में जो है माइनस निगेटिव साइन आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आर टू को आर थ्री से चेंज करेंगे। ठीक है, आर टू को आर थ्री से चेंज करेंगे। ठीक है, तो जब आर टू को आर थ्री से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टू था एक माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टी दो में देखे थे कि अगर दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाता है तो एक निगेटिव साइन आता है। ठीक है, तो ये माइनस साइन आ गया जो इंटरचेंज कर रहे हैं उसके कारण, और ये टू पहले से है। तो हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट रो तो एज इट इज रह जाएगा, हम लोगों ने सेकेंड रो को थर्ड रो से इंटरचेंज कर दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये पी एक्स, ये हो जाएगा सी आर जेड। ठीक है, फिर भी हमको क्या चाहिए, हमको तो चाहिए कि ए पी एक्स यहाँ पे हो, सी आर जेड तो अपनी जगह पर आ गया, सी आर जेड जो है इसमें अपनी जगह पे आ गया, ए पी एक्स जो है फर्स्ट रो पे होना चाहिए और बी क्यू वाई सेकेंड रो में होना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक इंटरचेंज लगाएंगे जिसमें आर वन को आर टू से इंटरचेंज करेंगे, अगर फिर से हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, एक माइनस साइन और आएगा। ठीक है, और ये टू पहले से है, एक और माइनस साइन आ गया, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी दो रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया जाता है तो उसकी वजह से एक निगेटिव साइन आता है, एक तो निगेटिव साइन पहले से है और दूसरा इसके कारण इंटरचेंज के कारण आया था निगेटिव साइन और ये जो हो गया टू। इसमें हम लोग क्या किए, इंटरचेंज कर दिए ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। अब हम लोगों के पास जो है यही फॉर्म हम लोगों के पास आ गया। ठीक है, ये जो फॉर्म है आर एच एस में ए पी एक्स बी क्यू वाई और सी आर जेड, ये फॉर्म आ गया टू टाइम्स आ गया, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं माइनस माइनस में लिखा हो गया प्लस टू टाइम्स ऑफ ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड इज इक्वल टू आर एच एस। सो हम लोगों ने प्रूव कर दिया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या दिया हुआ है, जीरो ए माइनस बी माइनस ए जीरो माइनस सी बी सी जीरो इज इक्वल टू जीरो। हम लोग को ये शो करना है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो है, इसको हम लोग ये तो देखिए एक इजी फॉर्म में दिया हुआ किसमें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी तीन तीन जीरो है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे प्लस माइनस प्लस फॉर्म में लेकर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो एल एच एस की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, एल एच एस की जगह पर हो जाएगा टेकिंग फर्स्ट एलिमेंट जीरो इंटू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, तो हम लोग पास क्या बच जाएगा जीरो सी माइनस सी जीरो।
प्लस ऑफ माइनस ए बिकॉज हियर इज माइनस साइन इंटू फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम के लिए कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा माइनस ए बी माइनस सी जीरो प्लस ऑफ माइनस बी हेयर इज प्लस हेयर इज माइनस साइन इंटू फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को हम लोगों ने एलिमिनेट कर देगा तो हम लोग पास क्या बच जाएगा माइनस ए बी जीरो सी। ओके तो ये तो है कि जीरो को किसी भी डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये ऑलरेडी जीरो हो जाएगा प्लस माइनस ए इंटू जीरो इज माइनस ए इंटू जीरो माइनस ऑफ माइनस सी इंटू बी प्लस ऑफ माइनस बी इंटू माइनस ऑफ ए इंटू सी माइनस बी इंटू जीरो ये तो जीरो है प्लस माइनस ए इंटू ये जो हो जाएगा जीरो और माइनस बी सी तो ये हो जाएगा प्लस बी सी प्लस ऑफ माइनस बी इंटू माइनस ए सी माइनस जीरो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए बी सी और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ऑफ ए बी सी दोनों कर जाएगा इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू आर एच एस सो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ओके स्टूडेंट सिक्स नंबर क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग देखेंगे सेवेंथ नंबर क्वेश्चन। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है माइनस ऑफ ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे पहले तो ये एल एच एस है एल एच एस में जो है कॉमन लेंगे टेक कॉमन ए बी सी फ्रॉम आर वन आर टू आर थ्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है हम लोग जो है ए बी सी आर वन आर टू आर थ्री ये जो है आर वन है ये आर टू है ये आर थ्री है रो वन रो टू रो थ्री में से हम लोगों ने ए बी सी को कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पर ए बी सी हम लोगों ने कॉमन ले लिया फर्स्ट रो में ए को कॉमन लिया था यहाँ पर बच जाएगा माइनस ए ये बी ये सी इसमें हम लोगों ने बी को कॉमन ले लिया था ये बच जाएगा ए माइनस बी और सी यहाँ पर सी को कॉमन ले लिया ए बी माइनस। ओके स्टूडेंट ये हम लोगों के पास बच गया। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि बाय प्रॉपर्टीज सेवन सेवन प्रॉपर्टी से हम लोग क्या करेंगे इसको लिख सकते हैं आर थ्री के जगह पे आर थ्री प्लस आर वन। ठीक है जिससे ये टर्म जीरो हो जाएगा ये जो हो जाएगा ए बी सी माइनस ए फर्स्ट रो इज एज इट इज सेकेंड रो इज एज इट इज एंड थर्ड रो आर थ्री प्लस आर वन ए और माइनस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी ये क्या हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा ए बी सी माइनस ए बी सी ए माइनस बी सी ए कर जाएगा सी सी कर जाएगा हमारे पास बच जाएगा जीरो टू बी जीरो। ओके ये हमारे पास बच गया। अब हम लोग क्या करेंगे सेकेंड लगाएंगे आर टू के जगह पे आर टू प्लस आर वन। ठीक है इसमें हमारे पास क्या बच जाएगा इज इक्वल टू ए बी सी माइनस ए बी सी आर टू के जगह पर ए प्लस आर वन माइनस बी प्लस बी सी प्लस सी ये हो गया जीरो टू बी जीरो ये हमारे पास क्या आ गया ए बी सी माइनस ए बी सी ए माइनस ए कर जाएगा माइनस बी बी कर जाएगा जीरो जीरो टू सी जीरो टू बी जीरो। ओके अब हम लोग इसमें क्या करेंगे प्लस माइनस प्लस से सॉल्व कर लेंगे इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं ए बी सी ये तो हो गया कॉमन ये अब हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ ए इंटू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के लिए एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास क्या बच गया जीरो टू बी टू सी जीरो फिर क्या हो गया प्लस ऑफ माइनस बी इंटू फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम के एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा जीरो जीरो टू सी जीरो प्लस सी इंटू फर्स्ट रो और थर्ड एलिमेंट को हम लोग कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा जीरो 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 टू बी। ठीक है तो हम लोग ये जानते हैं सिक्स प्रॉपर्टी से कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो होने पर उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाता है तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी जीरो हो जाएगा। ठीक है
इससे आगे हम क्या करेंगे, इस दोनों वैल्यू डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है जीरो हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी इंटू माइनस ए इंटू जीरो माइनस टू सी इंटू टू बी प्लस माइनस बी इंटू जीरो प्लस सी इंटू जीरो। ओके, ये हो गया ए बी सी इंटू माइनस ए इंटू माइनस फोर सी बी प्लस जीरो प्लस जीरो। ये हो गया ए बी सी इंटू माइनस प्लस फोर ए बी सी इज इक्वल टू फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर एच एस, सो एन एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ओके स्टूडेंट, ये एन एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये हम लोगों ने देखा था सेवन, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट का पार्ट वन, ये क्वेश्चन नंबर एट का पार्ट वन में क्या दिया हुआ है, वन 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 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ओके, इसमें एल एच एस क्या दिया हुआ है, एल एच एस दिया हुआ है वन 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 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, बाय प्रॉपर्टी सेवन, प्रॉपर्टी सेवन में हम लोगों ने डिटरमिनेंट में देखा है। ठीक है, उस प्रॉपर्टीज को लगाकर हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे आर टू के जगह पे आर टू माइनस आर वन और आर थ्री के जगह पे आर थ्री माइनस आर वन, मतलब ये दोनों एलिमेंट को हम लोग जीरो बनाएंगे। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, वन ए ए स्क्वायर, ये हो जाएगा वन माइनस वन बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा वन माइनस वन सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों का कट जाएंगे, हमारे पास बच जाएंगे वन जीरो जीरो ए ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस ले लेंगे, वन इंटू टेक फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो हमारे पास बच जाएगा बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस ए बिकॉज हेयर इन माइनस साइन इंटू टेक फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम इलिमिनेट वी हैव जीरो जीरो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर इंटू फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम वी हैव लेफ्ट विथ जीरो जीरो बी माइनस ए सी माइनस ए। हम लोग सिक्स प्रॉपर्टी से जानते हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो होने पर उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाता था, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, वन इंटू बी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू सी माइनस ए प्लस जीरो प्लस जीरो। ओके, इसमें हम लोग क्या करेंगे, बी माइनस ए चलो लिख सकते हैं सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, इसको लिख सकते हैं बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी माइनस ए, इसको हम लोग ले सकते हैं बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए को हम लोगों ने कॉमन ले लिया था, हमारे पास क्या बच गया, सी प्लस ए ये जो है माइनस है ना, माइनस माइनस ऑफ बी प्लस ए। ओके, ये हो जाएगा बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी माइनस ए, तो ए ए कट गया, हमारे पास बच गया बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लें तो हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ ए माइनस बी और यहाँ पे हो जाएगा सी माइनस ए और यहाँ पे हम लोगों ने माइनस को कॉमन लिया तो हो जाएगा बी माइनस सी, ये दो माइनस 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 मिलकर हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एट का सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है बच्चों, एट का सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन है वन 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 ए बी सी ए क्यू B
पी क्यू सी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, एट का सेकेंड नंबर जो है हम लोग के एल एच एस में क्या दिया हुआ है, एल एच एस दिया हुआ है एल एच एस इज इक्वल टू 111 ए बी सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू। ठीक है, इसमें हम लोग सेवन प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी सेवन लगाएंगे डिटर्मिनेंट का। ठीक है, उससे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सी टू के जगह पे सी टू माइनस सी वन और सी थ्री के जगह पे सी थ्री माइनस सी वन। ठीक है, ऐसे करने से क्या होगा, ये जो है एलिमेंट जीरो हो जाएगा, ये हो गया वन ए ए क्यू, ये जो है सी वन है, ये सी टू है, ये सी थ्री है। ठीक है, कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री। ठीक है, सी टू माइनस सी वन मतलब वन माइनस वन, बी माइनस ए बी क्यू माइनस ए क्यू, वन माइनस वन सी माइनस ए सी क्यू माइनस ए क्यू। ठीक है, तो ये जो है दोनों पर जाएंगे तो हमारे पास बढ़ जाएगा वन ए ए क्यू जीरो बी माइनस ए बी क्यू माइनस ए क्यू, ये हो जाएगा जीरो सी माइनस ए सी क्यू माइनस ए क्यू। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे प्लस माइनस प्लस कर देंगे, हो जाएगा वन इंटू ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करें तो हमारे पास बच जाएगा बी माइनस ए बी क्यू माइनस ए क्यू सी माइनस ए सी क्यू माइनस ए क्यू प्लस ऑफ माइनस जीरो इंटू फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को लोग डाल देते ए ए क्यू सी माइनस ए सी क्यू माइनस ए क्यू प्लस जीरो इंटू फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को हटा देते हमारे पास बच जाएगा ए ए क्यू बी माइनस ए बी क्यू माइनस ए क्यू। इसका वैल्यू जो भी है अगर हम लोग जीरो से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इस सारे के वैल्यू जो होंगे जीरो हो जाएंगे, और इसमें भी जीरो से मल्टीप्लीकेशन तो इसके सारे वैल्यू जीरो हो जाएंगे। हमारे पास केवल बच गया वन इंटू बी माइनस ए इंटू सी क्यू माइनस ए क्यू प्लस सी माइनस ए माइनस और सी माइनस ए इंटू बी क्यू माइनस ए क्यू। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, हम लोग ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ठीक है, ये जो है एक फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज यहाँ पे करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा वन से मल्टीप्लाई करें तो ये यही रह जाएगा था बी माइनस ए इंटू ए क्यू माइनस बी क्यू मतलब सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस सी माइनस ए इंटू बी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए। ठीक है बच्चों, इसमें हम लोग क्या करेंगे बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, इसमें से हम लोग ये कॉमन ले लें तो ये बच गया हमारे पास सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी, और यहाँ भी ये कॉमन लेते हमारे पास बच गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, ये होगा बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, यार ए स्क्वायर ए स्क्वायर कट गया, बच गया बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसको हम लोग कह रहे थे बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए कॉमन ले तो सी माइनस बी। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी प्लस ए टाइम्स ऑफ सी माइनस बी। ओके, अब हम लोग इसको आगे क्या लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं इसको हम लोग बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए, इसमें से हम लोग क्या करेंगे सी माइनस बी को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा सी प्लस बी प्लस ए। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास आ गया बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। हम लोग यहाँ से माइनस को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, ये सी माइनस ए एज इट इज, यहाँ भी माइनस को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा बी माइनस सी, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी,
ये दो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हो जाएगा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आर एच एस। ओके स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। इसमें टोटल 16 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, जिसमें से 8 हम लोगों ने आज सॉल्व कर लिया, और जो 8 क्वेश्चन बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज 4.2 के, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।